अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, BBA 4। बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है, और जैसे कि आपको पता है कि लेक्चर नंबर 12 में हम प्रोसेस थ्योरी हमने स्टार्ट की थी, और एक प्रोसेस थ्योरी हुई थी जो कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी थी। ठीक है, आज हम मज़ीद दो प्रोसेस थ्योरीज पढ़ेंगे, और इसके साथ जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा दैट वुड बी अबाउट द इमोशंस एंड द मूड्स एट द वर्क प्लेस। ठीक है, यानी कि वर्क प्लेस मीन्स कि एक बिज़नेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में इमोशंस को और मूड्स की क्या अहमियत है, और उनको कैसे टैकल करना चाहिए, और मैनेजमेंट का या ओनर्स का टूवर्ड्स इमोशंस एंड मूड्स क्या जो है वो रिस्पॉन्स होना चाहिए एम्प्लॉयज़ की। लेकिन उससे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेकेंड प्रोसेस थ्योरी विच इज़ द इक्विटी थ्योरी। बेटा ये इक्विटी का वर्ड आपने, ये वो फाइनेंस वाली इक्विटी नहीं है, ये इक्विटी का वर्ड इक्वलिटी से निकला है, यानी कि बराबरी से निकला है। ठीक है, यानी कि इक्वल, बराबर होना। अब ये थ्योरी जो है, इसका सारा कॉन्सेप्ट इसके नेम से ही जो है वो इंडिकेट हो जाता है कि ये थ्योरी ये कहती है कि आप तमाम इम्प्लॉयज़ को वो जिस रैंक के हैं, लेट सपोज़ कि अगर अपर रैंक में 10 इम्प्लॉयज़ हैं, तो उन 10 के 10 इम्प्लॉयज़ को जो है वो आप इक्विलिटी के साथ उनसे डील करें। फिर अगर मिडल लेवल पे 20 इम्प्लॉयज़ हैं, तो आप उन 20 के 20 इम्प्लॉयज़ के साथ इक्वलिटी करें। फिर उसी तरह से अगर लोअर लेवल पे या अपर लेवल पे 10 या 5 या 30 इम्प्लॉयज़ हैं, तो आप उसी तरह से उनको, उन 30 के 30 को जो है वो आप इक्वल वे में जो है आप ट्रीट करें। यानी कि जो रैंक वाइज जो जितने भी आपके नंबर ऑफ इम्प्लॉयज़ हैं, आप उन इम्प्लॉयज़ में जो है वो उनमें अनफेयरनेस या जस्टिस ना करें किसी भी हवाले से। ना वो सैलरी के लिहाज से होनी चाहिए, ना वो प्रमोशंस के लिहाज से होनी चाहिए, ना वो रिवॉर्ड्स के लिहाज से होनी चाहिए, किसी ना वो इम्पोर्टेंस दें। यानी कि समटाइम्स ऐसा होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में कि एक ही रैंक में, लाइक लेट सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, दिस इज़ नॉट द रियलिटी, कि अगर यूनिवर्सिटी में जो है वो 10 विजिटिंग लेक्चर्स हैं और लेक्चरर्स हैं, और उन लेक्चरर्स में से किसी एक को जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसको जो है वो मैनेजमेंट भी और सब चीज़ें जो हैं, हालांकि वो भी उतना ही काम कर रहा है जितना बाकी सारे विजिटिंग स्टाफ मेम्बर्स काम कर रहे हैं। लेकिन एनी हाउ, अगर इस किस्म का कोई केस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो वो ना सिर्फ स्टाफ मेंबर्स के दरमियान में क्लैशेस को क्रिएट करता है, बल्कि उससे पूरे का पूरा जो सिस्टम है एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलने का, वो भी ख़राब होता है। तो इसी तरह से एडम वो पर्सन था जिसने ये थ्योरी प्रेजेंट की, और एडम ने ये कहा कि उस एडम की जो बेसिक स्टडीज़ है ना, वो हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो जैसे कि पहले लेक्चर्स में ही मैं आपको मेंशन करती आ रही हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब ये नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर कैसा है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों का बिहेवियर कैसा है। तो इसी वजह से एडम स्मिथ की जो स्टडीज़ हैं वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर है। जब उसने ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर लिया, तो ऑटोमेटिकली उसकी स्टडीज़, उसके रिजल्ट्स जो थे वो अल्टीमेटली मोटिवेशन की तरफ चले गए। कि जाहिर सी बात है, जब उसने बिहेवियर स्टडी कर लिया, तो ही वुड हैड बीन एबल टू नो कि किस तरह से जो है वो हम मोटिवेट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर्स, उनके बिहेवियर के लिहाज से। तो फिर ये उसकी स्टडीज़ के बारे में थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। लाइक लेट सपोज उसने कहा क्या, उसने कहा कि इक्विटी एंड फेयरनेस, ठीक है, यानी कि मामलात में जो है सबको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना, इक्वल रिवॉर्ड्स देना, इक्वल इम्पोर्टेंस देना, इक्वल प्लेस देना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इक्वल एटीट्यूड के साथ सबको डील करना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-4 लोगों की तरफ हमारा एटीट्यूड कुछ और है और बाकी लोगों की तरफ हमारा एटीट्यूड कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि दिस इज़ ऑल द टॉपिक इज़ अबाउट द मोटिवेशन, और मोटिवेशन के सबसे पहले जब हम कॉन्टेंट थ्योरीज़ में हमने जो है वो मैस्लोज़ की थ्योरी पढ़ी थी, तो उसमें हमने, उसने 5 नीड्स बताई थी। साइकोलॉजिकल नीड्स थी, सिक्योरिटी नीड्स थी, बिलोंगिंगनेस नीड्स थी, इसके अलावा एस्टीम नीड्स थी, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स थी। ठीक है, और फर्दर अगर हम आगे चलते हैं तो एल्डर फर ने उसको मज़ीद ERG थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया।
तो इट मींस कि वो जो बेसिक है ना मोटिवेशन की, वो हिट नहीं होनी चाहिए किसी भी इंसान की. किसी भी इंसान की मेंटल हेल्थ जो है ना वो स्टेबल रहनी चाहिए. किसी जब तक आप किसी को मेंटली टॉर्चर करते रहेंगे किसी भी लिहाज से हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन जब तक आप उसको मेंटली टॉर्चर करते रहेंगे तो वो बंदा मोटिवेट हो ही नहीं सकेगा. वो खुद को ही नहीं स्टेबल कर सकेगा आपके टॉर्चर की वजह से. तो फिर मोटिवेशन तो खुद को स्टेबल करने के बहुत बाद के जो है वो एक्शंस में आ जाती है और स्टेप्स में आ जाती है. अच्छा, एनी हाउ, इक्विटी और फेयरनेस, एडम ने ये कहा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिवॉर्ड्स. ठीक है, यानी कि रिसोर्सेज का मतलब ये है कि आपके फाइनेंस के रिसोर्सेज में सैलरीज आ जाएंगी या राइट टू यूज़ द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, राइट टू यूज़ द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस. चलिए मैं फॉर्म लिख देती हूँ, बिजनेस एक लंबा वर्ड बन जाता है. अच्छा बेटा, फॉर्म भी बिजनेस को ही बोलते हैं. अच्छा, तो राइट टू यूज़ द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस के, बिजनेस के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको इस्तेमाल करने का इक्वल राइट होना चाहिए तमाम एम्प्लॉयज़ के पास. ऐसा नहीं है कि किसी एम्प्लॉय को जो है वो ज़्यादा राइट दे दिए गए हैं और किसी को जो है वो कम दे दिए गए हैं. ठीक है, हाँ, अगर किसी को कोई स्पेशल या एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो वो देन डेफिनेटली उसके करेक्टर और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो एडमिट करते हुए देनी चाहिए और बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे उसकी उस जो कैपेबिलिटी हैं उसको एग्री करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए. मैं इसकी एग्जांपल आपको उस तरह से दूंगी कि जिस तरह से हमारे स्कूल 9th-10th के सिस्टम में या 6th-7th-8th जो हमारा स्कूल सिस्टम होता है 6th-7th-8th क्लास का, उसमें क्लास को बेसिक तो टीचर ही हैंडल करता है लेकिन उसके बाद क्लास में एक मॉनिटर बना दिया जाता है, ख्वा वो गर्ल है या वो बॉय है, डजेंट मैटर, बट एक मॉनिटर ज़रूर होता है. तो वो मॉनिटर बेसिकली होता तो स्टूडेंट्स ही है बाकी सारे क्लास के स्टूडेंट्स की तरह, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती हैं. लाइक उसको क्लास की जो विंडो होती है या जो कबर्ड होती है उसकी चाबी उसको दे दी जाती है, या इसके अलावा कुछ और टीचर्स जो हैं वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे यूनिवर्सिटी में सीआर को जो है कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो टीचर्स जो हैं वो उनको दे देते हैं. ठीक है, तो इट मीन्स अब उस मॉनिटर की वो कैपेबिलिटीज़ वाकई में होंगी अगर, तो जाहिर सी बात है पूरी क्लास के स्टूडेंट्स भी उसको इजीली एक्सेप्ट करेंगे. पूरी क्लास के स्टूडेंट्स को फिर ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि जी इसको क्यों मॉनिटर बना दिया गया है, ये कुछ करता तो है नहीं, करती तो है नहीं, किसी काम की तो है नहीं. और बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं जो खुद को डिज़र्विंग समझते होंगे उस पोजीशन के लिए, और हो सकता है कि वो डिज़र्विंग भी हों अगर फेवरेटिज़म से जो है वो पहले वाले मॉनिटर को मॉनिटर ना बनाया गया हुआ. तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि जितने भी फॉर्म के रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करने का इक्वल राइट होना चाहिए तमाम एम्प्लॉयज़ के पास. अगर किसी को कोई अपर या एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बाकी सारे एम्प्लॉयज़ भी उसके हक में होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी एम्प्लॉयज़ को ऑब्जेक्शन हो और वो उनके माइंड में कहीं यही चलता होगी यार ये डिज़र्विंग नहीं था, बस इसको जो है वो फेवरेटिज्म के बेस पे या इनजस्टिस के बेस पे जो है वो इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी गई हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, अच्छा जी, एन इंडिविजुअल विद द हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ इक्विटी वुड बी मोर मोटिवेटेड. फिर ये सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो एडम ने जो है वो प्रेजेंट किया. उसने ये कहा कि अगर एक एम्प्लॉई जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के वे ऑफ डीलिंग के साथ जो है वो पूरी तरह सेटिस्फाइड होगा और उसको इस बात का यकीन होगा कि यस इक्विटी से जो है वो सब काम हो रहे हैं, जो है वो फेयरनेस से जो है वो चीज़ों को लेके जाया जा रहा है, तो देन डेफिनेटली उसकी जो एक्सपेक्टेशंस होंगी अपनी जॉब से, अपनी परफॉर्मेंस से और फर्दर जो रिवॉर्ड है, एक्सपेक्टेशन एक एम्प्लॉय की तो रिवॉर्ड की सूरत में ही होती है ना. और रिवॉर्ड्स क्या हो सकते हैं, या तो प्रमोशन हो सकती है या इंक्रीज इन सैलरी हो सकता है या इंसेंटिव्स में इंक्रीज़ हो सकता है या किसी भी रेंटल इनकम में कोई भी ये इसी तरह की जो मॉनिटरी रिवॉर्ड्स हैं, क्योंकि एम्प्लॉय बेसिकली कमाने के लिए ही घर से निकलता है.
तो ये जो सारी रिवॉर्ड्स होंगे उसकी एक्सपेक्टेशंस जितनी ज़्यादा हाई होंगी उतना ही वो ज़्यादा मोटिवेटेड पर्सन होगा। तो यहाँ से एक ये भी कॉन्सेप्ट निकलता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हैं कि वो उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेटेड रहें, तो देन डेफिनेटली दे वुड हैव टू इंड्यूस द सिस्टम ऑफ फेयरनेस इन देयर ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ कुड बी इक्वल टू वर्ड्स द अपर लेवल अथॉरिटी और टू वर्ड्स द रिवॉर्ड्स और टू वर्ड्स द मैनेजमेंट पैनल। ओके, अच्छा बेटा, आगे जो थर्ड स्टेप एडम स्मिथ ने, जो थर्ड पॉइंट उसने प्रेजेंट किया, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसने ये कहा, जैसे मैंने ऊपर वाले पॉइंट में एक्सपेक्टेशन को का वर्ड मैंने मेंशन किया ना, एक्सपेक्टेशन, और फिर अगला क्या है, मोटिवेटेड। एक्सपेक्टेशन और अगला पॉइंट क्या निकलता है, मोटिवेटेड। इसी तरह से इसको फर्दर मज़ीद एक्सप्लेन किया एडम ने, और उसने ये कहा कि कुछ इनपुट फैक्टर्स होते हैं और कुछ आउटपुट फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो है वो इनपुट फैक्टर है, क्योंकि इस एक्सपेक्टेशन की वजह से वो एम्प्लॉय क्या करेगा, वो परफॉर्मेंस अपनी बेहतर करेगा, वो हार्डवर्क करेगा, उसकी जो दौड़ होगी वो किसी न किसी आउटपुट की तरफ होगी, और वो आउटपुट क्या होंगे, वो रिवॉर्ड्स होंगे या मोटिवेटेड जो एक एम्प्लॉय होता है वो होगा। तो इसी तरह से अब इनपुट्स में उसने कहा कि कमिटमेंट आ जाती है, किसी भी एम्प्लॉय की जितनी कमिटमेंट होंगी अपनी जॉब के साथ, इट मींस कि वो उतनी इनपुट जो है वो दे रहा है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से स्टूडेंट्स का पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, जिस स्टूडेंट का ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा कमिटेड होता है अपनी स्टडीज़ के साथ, जिसका कम होता है वो हर बंदा अपने इंटरेस्ट के साथ जो है वो कमिटेड होता है अपने काम के साथ। ठीक है, तो ये इनपुट है उसकी, इनपुट जो है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ दैट एम्प्लॉई और द पर्सन। फिर वर्क आवर्स, जो है कुछ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो यही समझते हैं कि यार हमारा, हमने जो है वो 6 घंटे का काम है, हमें 6 घंटे की सैलरी मिलती है तो हमने 6 घंटे ही काम करना है, इससे ज़्यादा काम नहीं करना। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल मैं आपको कोट करती हूँ कि अगर आपको पता है कि लेक्चर 1.5 घंटे का है